और मैं आपको ऐसी एडवाइस भी दूंगा जिससे आपके नंबर 15 से 25 नंबर आराम से बढ़ जाएंगे। मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है तो आप फिर जल्दबाजी दिखाते हो फिर गलत हो जाएगा, इसलिए ऐसा मत करना। आपके पास जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो ज्यादातर इजी ही आते हैं, एक सिंगल फॉर्मूला बेस्ड आते हैं कि आपके पास डाटा होगा, एक सिंगल फॉर्मूला यूज होगा, डाटा से डायरेक्टली आंसर आ जाता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है यूनिट का। सिलेबस भी सेम है, जो बुक्स होती हैं वो भी सभी सेम होती हैं। अगर बुक्स में हल्का फुल्का डिफरेंस भी आ जाए तो भी कंटेंट सेम रहता है। इवन अगर आप एग्जाम देने जाते हो तो एग्जाम का टाइम भी सभी को बराबर ही मिलता है, तब भी कोई टॉप करता है और कोई टॉप नहीं कर पाता। हर किसी के नंबर सेम नहीं आते, किसी के तो बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाते हैं और किसी के अच्छे नंबर नहीं ला पाते। अब चाहे वो एग्जाम नेगेटिव मार्किंग वाला हो चाहे वो नॉन नेगेटिव मार्किंग वाला हो, तब भी हर किसी में डिफरेंस देखने को मिलता ही मिलता है। तो डिफरेंस कहाँ पर आता है? वो आता है उस एग्जाम के अंदर, जब आप बैठते हो, जब आप एग्जाम दे रहे होते हो, उस टाइम आपके दिमाग में जो चल रहा होता है वही सब कुछ डिसाइड करता है कि आपके नंबर्स या मार्क्स कैसे आने वाले होंगे। तो आज हम उन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे जिससे आपके जो नंबर है वो कहीं ना कहीं कम रह जाते हैं, और मैं आपको ऐसी एडवाइस भी दूंगा, ऐसी चीजें बताऊंगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट और खास बात है मेरी तरफ से स्पेशल, जिससे आपके नंबर 15 से 25 नंबर आराम से बढ़ जाएंगे। तो आज हम इन सारी बातों पर अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, पूरी बातें करेंगे गलतियों पर भी और उनको कैसे सुधारा जाए ताकि आपके नंबर और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, नंबर बूस्ट मिले नंबर्स को। तो आज हम सारी बातों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बड़ी गलती हमारे से क्या होती है कि जैसे हम एग्जाम में बैठते हैं हम क्या करते हैं, हम पूरा पेपर कभी नहीं देखते। हम क्या देखते हैं, बस पहला क्वेश्चन आया, पहला क्वेश्चन फटाफट देखो और वहीं से करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है जो कभी नहीं करनी चाहिए। बच्चों को जब भी आप एग्जाम दो ना, किसी भी एग्जाम को देने जाओ, सबसे पहले आप क्या करोगे कि आप पहले एक बार के लिए आराम से 10 मिनट निकालो स्टार्टिंग के, और उसमें पूरा पहले पेपर आराम से पढ़ लो। चाहे आपको आता हो नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बार देख लो, क्वेश्चन क्वेश्चन देख जाओ। मैंने कह रहा ऑप्शंस पढ़ो नहीं, आराम से बस क्वेश्चन देखो, चलते बनो। आता है अच्छी बात है, दिमाग में रखना कि ये वाला आता है, नहीं आता कोई नहीं, बाद में सोच लेंगे। तो पहले ऐसा करते हुए पूरा पेपर पहले आराम से पढ़ो। इसका फायदा ये रहता है कि देखो हमारा माइंड पता है कैसे काम करता है। हमारा माइंड ऐसे काम नहीं करता कि जैसे आपके पास अचानक से अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन दूं तो क्या आप उसे कर पाओगे, क्या आप नहीं कर पाओगे, आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए। तो एक बार जब 10 मिनट लगा करके आप आराम से पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ लोगे तो क्या होगा, हमारे दिमाग में हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा फीड हो जाएगा हमारे दिमाग के अंदर ना, तो दिमाग हमारा सोचना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे जैसे करके फिर बाद में जब स्टार्टिंग से आप एक एक करके क्वेश्चन करोगे आराम से अपने अकॉर्डिंग, तो आपको क्या मिलेगा, आपने वो क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, है ना। अब भले वो टफ भी होगा तो भी हमारा दिमाग थोड़ा सा सोच रहा होगा, कुछ ना कुछ तो सोचेगा ना, जो भी आता होगा कुछ ना कुछ हमने पढ़ा है उससे वो सोचेगा। तो ऐसे में क्या होगा, वो दिमाग जो पहले नहीं कर पा रहा था, जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, लेकिन आराम से आप देखोगे ना तो उस क्वेश्चन को भी आप कर पाओगे। तो इससे क्या होता है, माइंड सेट पर बहुत फर्क पड़ता है, या आपके ऊपर जो स्ट्रेस रहता है ना थोड़ा सा वो बहुत कम हो जाता है। लगभग पता है एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, प्रेशर की, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन एक बार क्वेश्चन पेपर रीड करने से ना आपके दिमाग में सब चीजें एक बार आ चुकी होती हैं, तो ऐसे में जो स्ट्रेस होता है वो काफी लो हो जाता है और आप बहुत आराम से अपना पेपर दे पाते हो। तो सबसे पहली चीज तो ये करना, और ये बिल्कुल नहीं करना। क्या नहीं करना, ऐसा बिल्कुल मत करना कि एग्जाम में आए बैठे और तुरंत अपने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, नहीं। पहले आराम से 10 मिनट निकाल के रखो, आराम से पेपर पढ़ो और उसके बाद फिर स्टार्ट करना। अब सवाल ये आता है कि यार अब स्टार्ट कैसे, कहाँ से करें, कौन सा क्वेश्चन पहले करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल सी बात बताऊँ, आप आराम से एक स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, आराम से जो भी आपका सब्जेक्ट आपको अच्छा है उसी से स्टार्ट करो जो आपको ईजी लगता है। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि देखो, फ़ायदा ये हुआ कि आपके पास आप कुछ क्वेश्चन कर चुके होंगे, आप एक अच्छे अमाउंट में अगर क्वेश्चन कर लोगे जो कि ईजी वाले हैं, पहले उन्हीं को करना जो देखते ही हो जाए, तो उनमें क्या हुआ कि आपके पास कुछ नंबर सिक्योर हो जाएंगे आपके पास, है ना। तो आपको पता रहेगा कि चलो इतने नंबर तो मेरे पास मिनिमम है ही, जो बहुत ही आराम से आए, वो कम टाइम में भी हो जाते हैं और आपको नंबर भी दे जाते हैं। तो अगर आप ना पहले स्टार्टिंग में टफ वाले क्वेश्चन करोगे तो गलती हो जाती है, क्यों, टफ वाले क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम चला जाता है और फिर जब लास्ट में आप देखोगे मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है तो आप फिर जल्दबाजी दिखाते हो, फिर गलत हो जाएगा। इसलिए ऐसा मत करना, स्टार्टिंग में करना है सबसे ईजी वाले क्वेश्चन, ऐसे ईजी क्वेश्चन तो देखते ही टिक हो जाए कि भाई ये हमने क्वेश्चन पढ़ा है और ये इसका आंसर डायरेक्टली, जो जस्ट टिप्स पे याद हो, पहले उसको करना, ओके। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, जब इजी वाले क्वेश्चन हो जाए तो फिर जाना थोड़े से मीडियम पे, थोड़े मॉडरेट पे, जिसमें थोड़ा बहुत सोचना पड़े लेकिन हो सकता है, फिर आप उन वाले क्वेश्चंस का ट्राई करना। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, स्पेशली मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर देखो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इस वाले एरिया के अंदर जो मॉडरेट वाले होते हैं, थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े आपके न्यूमेरिकल्स भी इसी एरिया के अंदर आते हैं ज़्यादातर। तो अब क्या करोगे, न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना कि आप यूनिट्स का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके पास जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो ज़्यादातर ईजी ही आते हैं, एक सिंगल फॉर्मूला बेस्ड आते हैं कि आपके पास डाटा होगा, एक सिंगल फॉर्मूला यूज होगा, डाटा से डायरेक्टली आंसर आ जाता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है यूनिट्स का। अगर आपने यूनिट्स का ध्यान नहीं दिया तो गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में जो यूनिट दी होती है वो अलग होती है
और आंसर में जो यूनिट की डिमांड होती है वो अलग होती है। तो अगर आप यूनिट कन्वर्जन नहीं करोगे सही तरीके से तो आपका आंसर जरूर गलत आएगा। लाइक वो गलत वाला आंसर भी आपके ऑप्शन में होगा और हम देखते हैं उसको टिक भी कर देंगे तो वो चीज़ गलत हो जाती है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, आपको हमेशा यूनिट्स पे नज़र रखनी ही है अगर न्यूमेरिकल है तो। ओके, अब बात बस ये हमारे टफ क्वेश्चन के लिए। अब टफ क्वेश्चन कैसे करना चाहिए, टफ क्वेश्चन में आपके पास थोड़ा सा मैं कहूँगा कि यहाँ पे चॉइस वाली चीज़ आपके लिए हो जाती है। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है जिसको करने पर पहले वो टफ होगा, आपको पता है थोड़ा लेंदी भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा एकदम टफ, मैं बोला कि वो क्वेश्चन लेंदी भी हो सकता है कि आपको पता है क्वेश्चन करोगे तो 2-3 मिनट शायद लग जाए, लेकिन हाँ लगेंगे तो शायद आंसर भी आ जाए। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आंसर आ ही जाएगा बस थोड़ा सा टाइम जाना है तो उस क्वेश्चन को फिर करो करना, लेकिन एकदम लास्ट में कि हाँ चलो अब सब कुछ हो चुका है, मैंने सारे इजी क्वेश्चन कर लिए, मैंने मॉडरेट में जो हमारे क्वेश्चन थे थ्योरेटिकल वाले या जो न्यूमेरिकल थे वो हमने कर लिए, अब मेरे पास केवल यही क्वेश्चन बचे हैं करने के लिए, तो आप उन टफ वाले क्वेश्चन को उठाओ या फिर लेंदी क्वेश्चन को उठाओ क्योंकि वो लास्ट के लिए रहते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इस तरीके से करोगे ना तो आप ईजी और मॉडरेट से काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑलरेडी ले चुके होंगे जो बिल्कुल सही भी होंगे आपके। अब टफ क्वेश्चन में क्या होता है, हो सकता है गलत भी हो सकता है, तो यहाँ पर रिस्क लेने की बात है। अब रिस्क लेना देखो बनता है, अगर आपको रैंक चाहिए बढ़िया तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई ना कोई रिस्क लेता ही लेता है और जो रिस्क लेता है वो रैंक भी लेकर आता है, इसलिए वो चीज़ आप करना ठीक है, टफ क्वेश्चन उठाना पर एकदम लास्ट में ठीक है। हालांकि यहाँ पर आप एक चीज़ जरूर कर सकते हो कि थोड़ा टाइम का थोड़ा ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि जैसे जैसे आपका टाइम बीता जाएगा और आपको पता है कि अब मेरे पास केवल आधा घंटा बचा है तो आप इतना ज़्यादा पैनिक हो जाओगे ना, अगर आपने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया तो दिमाग में क्या होगा, पैनिक हो जाता है बहुत ज़्यादा कि यार अब बहुत कम टाइम बचा है, अब मुझे बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी करने हैं, तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखना। ओके, तो इस बात का आपको जरूर फोकस करना है, हालांकि कोशिश ये करना, मैं बहुत ही अच्छी एडवाइस आपको देता हूँ, आप कभी भी अगर कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो हमेशा आधे घंटा आपको जितना भी टाइम मिलता है उसका हाफ एन आवर लास्ट का बचा के रखना पहले। फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि अगर आप आधे घंटे पहले अगर क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कर जाते हो एक बार के लिए तो क्या होगा, फिर बाद में आपको रीचेकिंग का टाइम मिलता है और रीचेकिंग में क्या पता है आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। कई बार क्या होता है हमने जो सिली मिस्टेक्स होती है ना वो सारी रीचेकिंग के टाइम पर ही पकड़ी जाती है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ, जब मैंने अपना एग्जाम दिया था जेएम का एग्जाम था, जो आईआईटी जेएम का एग्जाम था, तो वहाँ पर क्या हुआ था, मैंने जब गलतियाँ देखी थी ना मेरे को रीचेकिंग का टाइम मिल गया था, क्योंकि मैं अपना पेपर हमेशा पहले फास्ट एक बार सॉल्व कर लेता हूँ अच्छे से, सारे इजी क्वेश्चंस पहले करता हूँ फिर मैं जाता हूँ मॉडरेट पे और न्यूमेरिकल्स उठाता हूँ, फिर थोड़े टफ क्वेश्चन आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई नहीं नेगेटिव मार्किंग से तो बच जाता हूँ ना, तो ये चीज़ मैंने करी और लास्ट में रीचेकिंग के जितना मैं टाइम हमेशा बचाता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने देखा कि यार मेरे को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था, कैसे, एक दो क्वेश्चन मेरे ऐसे हुए थे जिसमें यूनिट की गलतियाँ थी, लाइक यूनिट मैंने अलग रखी थी और जो आंसर में यूनिट आ रही थी वो अलग आ रही थी, तो मैंने देखा कि यार यूनिट की वजह से बहुत ज़्यादा गड़बड़ आई थी तो वो मैंने सही किया। इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल जो भी आप करते हो वहाँ पर रीचेकिंग ज़रूर करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ होती हैं रीचेकिंग में, इट्स नॉट लाइक आपको थ्योरेटिकल पार्ट नहीं आता, थ्योरी वाले में रीचेकिंग की ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन न्यूमेरिकल में आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए कि कहीं कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो गई है। इजी क्वेश्चंस में कैलकुलेशन एरर बहुत दुख देती है तो वहाँ पे रीचेकिंग ज़रूर करना है। तो अगर आप इन सारी बातों को अगर ध्यान रखोगे ना तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपके जो नंबर कट जाते थे ना वो बिल्कुल नहीं कटेंगे और आपको खुद देखने को मिलेगा कि यार धीरे धीरे करके आपके जो नंबर हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा आएंगे। इस लाइक आपके 15-20 नंबर तो आराम से बढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। ओके, तो इन चीज़ों पर हर बात आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए। सो आई होप आपको आज की वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। और भी ऐसी जो वीडियोज हैं हमारे चैनल पर अपलोडेड है तो वहाँ पर जाकर जरूर चेक करना, एंड साथ ही अगर आपकी कोई और भी प्रॉब्लम है जिनको आप अभी भी फेस कर रहे हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड उसके लिए भी हम नई वीडियो सॉल्यूशंस लेकर आएंगे। ओके, तो जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।